नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। चरैवेति चरैवेति अर्थात चलते चलते। डॉक्टर योगानंद शास्त्री के द्वारा आज एक और महाग्रंथ की रचना की गई, जिसका विमोचन डॉक्टर कर्ण सिंह जी के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं इस अभिनंदन समारोह की कुछ झलकियां। मंत्री रहे माननीय सिंघल साहब बैठे हैं, प्रोफेसर वीरेंद्र जी बैठे हैं, डॉक्टर खजान सिंह गुलिया जी बैठे हैं, गुरुकुल कामनी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति माननीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी बैठे हैं, पूज्य स्वामी रामानंद जी, देवी और साथियों, इस ग्रंथ में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है भाई सुधीर कुमार जी का, डॉक्टर जगमोहन जी का, भाई गिरजानंद जी का और रमेश भैया जी का है। इसका हेडिंग मेरा है और वो इसी है कि श्रद्धेय डॉक्टर कर्ण सिंह जी जहाँ वेदांत के बहुत बड़े पंडित हैं, वैदिक संस्कृति के बहुत बड़े अध्येता हैं, वहां साथ साथ में गीता को उपनिषद दोनों के बड़े महान व्याख्याता हैं। और ये जो इस पर लिया गया है चरैवेति चरैवेति, इसका पूरा बंदा है चरैवेति चरैवेति चरण वही मधुबिंद थे। डॉक्टर साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और इन्हीं की भावनाओं को इस शीर्षक में लिया गया है। और इसी नाते हमने डॉक्टर साहब से प्रार्थना की थी कि इस ग्रंथ का विमोचन करने वाला इनसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। मेरे बारे में माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने, हुड्डा साहब ने बहुत कुछ कह दिया है। व्यक्ति बैठा हो और उसके सामने उसकी प्रशंसा की जाए तो आदमी नीचे गिरता है। उस भार को उतारने के लिए केवल दो लाइनों में बोल रहा हूं, जिससे वो भार थोड़ा सा कम हो जाए। औरों जैसे होकर भी हम बाइज्जत है बस्ती में, कुछ लोगों का सीधापन है, कुछ अपनी अय्यारी है, एक दूसरे पर कटाक्ष करने लगे। मैं इस तरह से इशारा करके कहता रहा कि बैठिए बैठिए, कोई नहीं बैठा। स्पीकर जब खड़ा हो जाता है तो फिर सबको बैठना पड़ता है। इनका सभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अच्छी तरह सारी इतिहास बताया, मैं समझता हूँ बताने की जरूरत नहीं। डॉक्टर कर्ण सिंह का इतिहास सबको बताया, सारे देश को बताया, के परिवार का इतिहास, लेकिन मैं उस इतिहास की नहीं बात करता। मैं इनका मान सम्मान अपने पिताजी के बराबर करता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी के साथी रहे। नंबर एक, नंबर दो, सबसे ज्यादा सम्मान मैं करता हूँ इनका विद्वान तक विद्वान हर चीज को समझते हैं। सामाजिक बात हमारे को यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उससे पहले भी कई बार मौका मिला इनके। एक भगत को उसने शुरू किया, एक छोटा सा रुको पांच कन्याओं से पांच बेटियों से मेरे को मौका मिला तो उसको मैंने भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी और जम्मू कश्मीर से आए योगानंद जी का नेम। लेकिन हम बातें मैं क्या कहूं, क्योंकि जिनका अभिनंदन ग्रंथ हो रहा है डॉक्टर योगानंद जी और जो विमोचन मुख्य अतिथि है, दोनों स्वयं महान विद्वान डॉक्टर योगानंद विद्वान डॉक्टर विद्वान, तो हम सारे बोलने के लिए क्या, हम तो सीधे आते हैं।
पहचान गुरुकुल से उनका लगाव था तो उनके साथ गुरुकुल गया जब विद्यार्थी थे उस समय की शक्ल मेरे को याद है इनकी। तो विद्यार्थी में भी बहुत काबिल विद्यार्थी माने जाते थे। तो विद्वान अनेक विद्याओं के ज्यादा राजनीति में निष्णात आदमी राज्यसभा के हमारे साथी रहे हैं तो प्रभावशाली वक्ता रहे हैं विचार रहे हैं। और चौधरी भूपिंदर सिंह हुडा जी इनके पिताजी चौधरी रणवीर सिंह हमारे साथ संसद में थे उन उस समय से हम इनको जानते हैं इनको भी देखा है बड़े कर्तव्यनिष्ठ हैं बहुत अच्छा कार्य करते हैं। यहाँ बहुत सारे उपस्थित हैं मजदूरों का प्रतिनिधित्व हमारे द्रौपदी जी कर रहे हैं जो इंटर के उपप्रधान है और जिन्हें अभी जिनीवा में अच्छी वहाँ पर स्थिति बनी और आईएलओ जो है सबसे बड़ा संगठन उसके लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य थे। और यहाँ उपस्थित महानुभाव के हमारे पुराने मित्र भी हैं साथी भी हैं। इस अभिनंदन ग्रंथ के विमोचन कार्यक्रम में डॉक्टर कर्ण सिंह के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एवं चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसी शख्सियतों ने हिस्सा लिया एवं दिल्ली और हरियाणा के महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब पहले भी दो ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना कर चुके हैं इनके द्वारा तीसरे ग्रंथ की रचना की गई है जो इतिहास की जानकारी देने के साथ साथ इतिहास में डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी के नाम को चांद सितारों के समान चमक प्रदान करेगा। धन्यवाद।